सो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज अपन एक और बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी केस स्टडी करने के बाद मैं आपके लिए ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा अपने से भी ऐड किया है जो मुझे लगता है कि शायद इस बार एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, ये वीडियो उन वीडियो बच्चों के लिए हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका कुछ पता ही नहीं कि कब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट आपको कुछ नहीं सोचना है फ्यूचर में कि क्या होगा, कैंसिल होगा एग्जाम कि पोस्टपोन्ड होगा। आपको सिर्फ अपना मेहनत करते जाना है, ठीक है, मेहनत करते जाना है, क्लियर है। आप अपना पढ़ाई करते जाइए, फ्यूचर क्या करेगी सरकार, क्या करेगी स्कूल, क्या करेगा भाड़ में जाए, ठीक है। आपको सिर्फ अपना कर्म करते जाना है, अपनी मेहनत करते जाओ, क्योंकि सिर्फ 10th की पढ़ाई आपको नहीं रखनी है। 10th की पढ़ाई अगर आप ज़्यादा ही ऐसा लग रहा हो कि यार हमने बहुत पढ़ लिया, तो ठीक है ना, 10th की पढ़ाई साइड में रखो, 11th की पढ़ाई चालू कर दो। निकालो बुक, नेट बुक खरीदने की क्या जरूरत है, इंटरनेट में पीडीएफ इतने सारे, हमारी वेबसाइट पे जाओ पीडीएफ मिल जाएंगी, edugurun.in पे चालू कर दो पढ़ाई, है ना। क्या जरूरत है भाई, ज्यादा पढ़ लियो तो एग्जाम एग्जाम देखो यार, ये सब फर्जी होते हैं। पास होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए तो मार्क्स मैटर नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। अब गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव के देखा जाए तो वो एक अलग क्राइटेरिया। वैसे एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में मार्क्स नॉट मैटर, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करता। अगर नॉलेज है ना, नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्क्स भी खत्म और नॉलेज भी खत्म, फिर किसी लायक नहीं रह जाओगे। अपन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिन्हें जरूरत हो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर से काफी सारा पार्ट्स को कट कर दिया गया है। तो एक स्पॉइलर अलर्ट वीडियो शुरू करने से पहले, कि अगर आपने अभी तक हमारा इसका रिवीजन वीडियो नहीं किया है तो यार वो देखिए, जाकर रिवीजन वीडियो देखिए, फिर आइएगा ये वीडियो देखने। अदरवाइज सब इधर इधर और इधर से निकलेगा। वन शॉट में, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को मैंने रिवीजन करा दिया है, वो भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले वो वीडियो देन आकर ये वीडियो देखिए, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसको आने में गाइज 2-3 दिन लग जाएगा, बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाने वाला हूँ, है ना, तो 2-3 दिन लग जाएगा वो वीडियो आने में। वैसे अपना मोटिव था कि 31 मार्च से पहले इसको ख़त्म कर देंगे, तो लगभग मैंने सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ वगैरह सबका को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन सब करा ही दिया हूँ। एक एमसीक्यू की सीरीज़ बची हुई है, वो जल्दी 5 अप्रैल के आसपास से हम, या 4 अप्रैल के आसपास से वो स्टार्ट कर देंगे, केस स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इसका जो अगला चैप्टर है उसको आने में थोड़ा सा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम लग जाएगा, बट डोंट वरी, आएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो यार, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। पेंटेन पेंटेन पेंट मतलब 5, एनी मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है, मिथेन या अल्केन ग्रुप का है, अल्केन अल्केन ग्रुप का है, 5 मत पेंट मतलब 5 कार्बन्स, 5C, 5 कार्बन्स, और एनी मतलब एल्केन ग्रुप का है, यानी सिंगल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड वाले 5 कार्बन के आपको आइसोमर्स बनाने कितने बन सकते हैं। तो एक एन पेंटेन यानी एक तो हमारा बन गया किसमें, सीरीज में पेंटेन हम लिख बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें पता है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इससे शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इससे शेयरिंग हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और अगले इस बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन से अगला कार्बन शेयर हो जाएगा, देन इससे एक हाइड्रोजन, नीचे वाले से एक हाइड्रोजन, और फिर अगले वाले से अगला कार्बन, इस तरीके से 5 कार्बन, लाइक दिस। एक तो सीरीज में बन सकता है, दूसरा इस तरीके से आप ब्रांच बना सकते हो, और तीसरा इस तरीके से साइक्लिक बना सकते हो। अगर इस तरीके से बना के बताऊं मैं पेंटेन, तो 3, 4, 5, ठीक है, इसमें लगा दो, 1, 2,
तीन एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, लगा दो हाइड्रोजन बन गया। तो तीन तरीके से आप बना सकते हो, थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकता है, एक सीरीज में, ठीक है, एक ब्रांचेस में, और एक बन सकता है साइक्लिक में, ठीक है, याद रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, चार कार्बन से नीचे वाले, अगर आपके चार कार्बन से नीचे वाले में सिर्फ सीरीज के अलावा और कुछ नहीं बन सकता, मतलब ब्रांच भी बन सकता है, साइक्लिक नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना, आइसोमर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ज्यादा आइसोमर्स नहीं बन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। सो द टू फीचर्स ऑफ कार्बन डेट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। देखो कार्बन के नॉर्मली बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे, कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विथ फलाना, कार्बन रिएक्ट विथ ठिकाना, ठीक है, तो बताना है तो क्यों। तो कार्बन एक तो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन यानी इट इज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कैटिनेशन यानी एक एलिमेंट दूसरे से इजिली बॉन्डिंग, अपने ही टाइप के दूसरे से इजिली बॉन्डिंग कर लेना, दैट इज कैटिनेशन। और क्योंकि ये टेट्रावेलेंसी होता है, टेट्रावेलेंसी यानी कार्बन के आखिरी सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो टेट्रावेलेंसी, ठीक है, विथ द वैलेंसी ऑफ फोर कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ फोर अदर एटम्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन, ठीक है, इथ या मिथ मतलब वन, इथ मतलब मिथ मतलब वन कार्बन, इथ मतलब टू कार्बन, ठीक है, प्रॉप मतलब थ्री कार्बन, ठीक है, टेट्रा मतलब फोर कार्बन, पेंटा मतलब फाइव कार्बन, याद रखना ये सीरीज को। तो इथ और वाई एन ई मतलब अल्काइल, अल्काइल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथाइल इथ सॉरी अल्काइल नहीं अल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कीन के ई अल के ई एन अल्कीन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है। Is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethene and air is not used? तो जब welding torch आप gas welding अगर आप देखते होगे, gas welding में ये देखो figure बना हुआ है, gas welding में ये जो निकलता है torch, ये तो इसके लिए जो cylinders use कर, एक cylinder में होता है हमारा oxygen, एक cylinder में that is ethane या उसी का group, ठीक है, तो क्यों oxygen रखते हैं, air के साथ क्यों नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे रीजन है, व्हेन इथीन इज बर्नड इन एयर इट गिव्स स्लोटी फ्लेम, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि एयर से ये इजिली मिक्स हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट बर्न हो नहीं पाता है और ये पीला पीला जलता है और आप वेल्डिंग के बदले आपका प्लेट काला हो जाएगा। So ethyl is burnt with oxygen, it gives a clean flame with temperature 3000 degree Celsius because of complete combustion. This oxyacetylene flame is used for welding and it is not possible to attain such a high temperature without mixing oxygen. ठीक है, चलिए next question. Explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. ऐसे लिखा हुआ है CH3Cl, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो CH3Cl एक कार्बन है और एक क्लोरीन का एटम है ना, एक हेलोजन वाले हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन यानी, और ये सिंगल बॉन्ड है क्योंकि तीन कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक दो तीन और चार, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक इधर और तीन हाइड्रोजन चले गए, एक क्लोरीन, तो क्लोरीन से एक ही से शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, है ना, तो सिंगल बॉन्डिंग बन रहा है। तो CH3, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ CH3Cl इज गिवन बिलो लाइक दिस, ठीक है, इस ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है और जनरली बनेगा तो C एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड विथ क्लोरीन, इस तरीके से इसका बनेगा। कार्बन हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन ईच विथ थ्री हाइड्रोजन एटम्स एंड वन इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। The bond between C and Cl atom is covalent, but due to higher value of electronegativity of chlorine, C-Cl bond is polar in nature. ये 11th 12th में पढ़ोगे what is polar nature वगैरह, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन थोड़ा सा और स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि लग गई है मेरे को जबरदस्त वाली भूख और मैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को अब खत्म कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S, ये ऐसे लिखा हुआ है H2S और F2 और प्रोपेन, इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, देख लो फिगर बनाना है, ऐसे हिंट दे रहा हूं। इथेनोइक ओइक एसिड यानी
फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा? इथेन, इथ मतलब दो कार्बन, ठीक है, इथेन एल्केन बन रहा है, ठीक है, और ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके एक तो लगा है भूख इतना जबरदस्त, और दूसरा ये फोन बार बार परेशान कर रहा है, भाई पढ़ा लेने दो यार, पढ़ा लेने दो जल्दी, चलो यार जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इथेन इथ मतलब दो कार्बन, एन अल्केन ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो याद आया कार्बोक्सिलिक एसिड, यार मैंने कहीं यार डायग्राम लगाया था, फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड या क्या होता है आपके किसी भी कार्बन 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 चेन में क्या जुड़ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और अल्कोहल अगर जुड़ जाता है इस तरीके से, तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, डेट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलो ये हो गया, तो अपन कहाँ थे, वैसे फंक्शनल ग्रुप वाला भी पार्ट डिलीट वाले चीज़ें में लिखा है, बट इस चैप्टर से ना जो चीज़ डिलीट हुआ है ना बच्चा लोग, वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीट हुआ है जिससे यार मेरे को तो शॉक लग रहा है, मतलब जो चीज़ इस चैप्टर से डिलीट हुआ है तो ये चैप्टर फिर किसी लायक ही नहीं रहेगा, है ना, ये चैप्टर किसी लायक नहीं रह गया। बट यार मैं उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ और क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को डाउट है इस चैप्टर में कुछ, जो सिलेबस में है ना वो तो किसी काम का चीज़ नहीं है, लाइक डैट, ठीक है। तो देखो इसका इथेनोइक एसिड का बनाना है, तो दो कार्बन, तो कैसे बनेगा इसका, दो कार्बन है तो एक कार्बन अटैच विथ सिंगल ये हो गया, और इधर से एक से हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया। अब इस कार्बन से एक चला जाएगा ऑक्सीजन और एक चला जाएगा अल्कोहल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है डेट इज अ फंक्शनल ग्रुप डेट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बन से अटैच होगा एक कार, तो यहाँ एक दो दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे, दो कार्बन, तो बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। तो ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना कि बॉन्डिंग, तो यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाना है, डॉट 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 लाइक डॉट डॉट, यहाँ भी इसके बीच में भी डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ भी एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, डॉट, इस तरीके से बाकी के जो डॉट बचे रहेंगे उनको भी लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो फिगर में बनाया है, इस तरीके से आप कर लेना। फिर H2S के साथ कर रहा है, तो H2S यानी दो H S के आउटर मोस्ट में सल्फर, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो सल्फर में छः होते हैं, तो सल्फर दो तो रहन दो, जैसे का जैसा दो हाइड्रोजन एक सल्फर का यहाँ बनाया, एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन शेयर कर लिया, तो लो H2S का बन गया। वहीं प्रोपेनॉन, ओहो प्रोपेनॉन, प्रोप मतलब थ्री कार्बन, प्रोपेन एन मतलब एल्केन ग्रुप है यानी सिंगल बॉन्ड है, और ओ एन ई यानी कीटोन है, कीटोन है, कीटोन से जुड़ा हुआ है। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन फंक्शनल, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चा लोग, देखो कीटोन कहाँ है भाई, ये रहा कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, सी पे डबल बॉन्ड ओ, सी पे डबल बॉन्ड ओ, और दोनों तरफ हमारा अल्केन का ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो उसी तरीके से, तो हमारा सी ये रहा प्रोपे नॉन, तो मैंने क्या किया, प्रोप मतलब थ्री कार्बन, है ना, तो एक कैसे बनाऊंगा, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, इनको जोड़ दो भाई इस तरीके से, इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि जाएगा ही खाली तो रहेगा नहीं, एक हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड जोड़ के, क्योंकि एक दो तीन चार आ गया ना, डबल बॉन्ड जोड़ के यहाँ पे ओ लिख दो, है ना। तो इसका ये तो मैंने बॉन्डिंग वाला फिगर बना दिया, आप इसको ना डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेना। फिर आप देखो F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेवन शेयर कर लेंगे, बन जाएगा F सिंगल बॉन्ड F फ्लोरीन, है ना, लाइक दिस। ये आपका काम है करना, इस पे प्रैक्टिस। चलिए अगला चलते हैं, होमोलोजस सीरीज क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, जाकर रिवीजन वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ होमोलोजस सीरीज। देखो यार हम अल्केन एक टेबल बना लो, एक टेबल अल्कीन और एक टेबल अल काइल का बनाओगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-1, है ना। तो अगर ये हो गया कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन पुट करो 1 2 4 हो जाएगा,
फिर कार्बन अगर दो है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 6 हो जाएगा। वैसे ही इसमें देखो कार्बन एक सिंगल का तो ये बनता ही नहीं है, है ना, अल्कीन है, डबल बॉन्ड तो सिंगल, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल का तो बने, दो कार्बन अगर दो है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 2 × 2 = 4। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। वैसे इसमें भी C2 कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 × 4 = 3 हो जाएगा। यहाँ कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन N की जगह पुट कर दे, 3 × 2 = 6 − 1 = 5 हो जाएगा। अब तुम देखो इनके बीच में ये सब क्या है, ये अल्केन का होमोलोजस सीरीज है, ये अल्कीन का होमोलोजस सीरीज है, ये अल्काई का होमोलोजस सीरीज है। तो दो होमोलोजस दो इनके बीच में तुम कंपेयर करोगे देखोगे CH4 की कमी है, CH4 की कमी है। उसी तरह इन दोनों के बीच में देख लो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है, सॉरी एक कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की कमी है। इन दोनों के बीच का भी गैप देखोगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 का गैप है अगला सीरीज आने में, CH2 का गैप बन रहा है, दैट सीरीज इज नोन एज होमोलोजस सीरीज। वही यहाँ कानून लिखा हुआ है, आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनॉल यानी इथ यानी 2 कार्बन, एन मतलब अल्केन ग्रुप ऑल, तो 2 कार्बन लाइक कार्बन कार्बन एल्कोहल है तो डबल OH के साथ अटैच है, डबल नहीं सिंगल बॉन्ड OH के साथ अटैच है, लाइक एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, 1, 2, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया एल्कोहल। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक यानी 2 कार्बन, ये आ गया O, इधर आ गया OH और 1, 2, 3 हाइड्रोजन, ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड, है ना। बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करो, तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ अ प्लीसेंट स्मेल, इथेनोइक एसिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, इथेनॉइक लिक्विड क्या गैस स्टेट में रहता है, सिंस इट बिलो द रूम टेम्परेचर सो इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, मोर एवर इथेनोइक एसिड हैज स्मेल लाइक विनेगर। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट वाइल इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल सोडियम मेटल कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट टू गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। वहीं इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइल इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड वाटर, तो सोडियम इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड वाटर, ठीक है। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू गिव इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिडिफाइड KMnO4, तो इथेनॉल में अगर KMnO4 अगर डाल दोगे तो वो इथेनॉल इथेनोइक बन जाता है, देखो क्या अच्छा चीज है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर कार्बन और उसके कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो कार्बन से बनने वाला फ्यूल बताओ भैया, कोल पेट्रोल सब में रहता है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबसन ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल हैव ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड आर इजी टू हैंडल, ठीक है। ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर यानी कार्बन से बने हुए जो आपके फ्यूल्स होते हैं वो इजिली बर्न हो जाते हैं। दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू यानी अच्छे से जलना, अगर मैं 100% कोल लेता हूँ तो उससे कितनी एनर्जी हीट निकलनी चाहिए, 100% अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो जैसे पेट्रोल 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हो तो 100 रुपये तो गाड़ी 100 किलोमीटर तो गाड़ी नहीं चलती है, 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हो तो गाड़ी चलती है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, है लाइक इसी तरीके से ना गाड़ी का एवरेज, वैसे ही यही है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। जितना अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू होगा आपके कार्बन का आपके उसका कंपाउंड का या आप किसी भी सब्सटेंस का उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना अच्छा आपके लिए कॉस्ट फ्री होगा, कम पैसे में अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है ना। देयर कंबसन कैन बी कंट्रोल, तो कार्बन लाइक कोल जल रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है पानी डाल के आराम से। देयरफॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल,
इसलिए हम फ्यूल के लिए यूज कर पाते हैं इसको। नहीं तो ऐसा नहीं न्यूक्लियर को बाइक में, क्यों ना न्यूक्लियर रिएक्शन, वो भी तो एनर्जी देता है, लगा दो बाइक में, कंट्रोल ही ना हो पता चला, है ना, होता है, बट उसके लिए वाटर बहुत चाहिए और भी चीजें हैं, वो बाइक में तो नहीं कर पाओगे ना। ट्राई करो बना के न्यूक्लियर वाला, एक न्यूक्लियर की स्टिक डालो, दो चार दस साल गाड़ी चलती रहे आपकी, है ना। बनाओ बनाओ प्रोजेक्ट लो बनाओ, है ना। व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देखिए देखो ये क्या है, ये कोवेलेंट ऐसे ही बनता है ना शेयर करते हुए, तो इसमें तो आयंस है ही नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो खुले थे वो दूसरे से शेयर हो गए, अब तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो अपन उस पीछे कल वाले चैप्टर में बात कर रहे थे। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है ये बताइए, ये क्वेश्चन काफी चैप्टर से आएगा। तो देखो यार यहाँ पे देखो कीटोन लगा हुआ है, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो कीटोन का है, एक दो तीन है, तीन यानी प्रॉप, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप एन ऑन, प्रॉप एन ऑन, प्रॉप मतलब तीन, प्रॉप पी आर ओ पी मतलब तीन कार्बन, ए एन एल्केन ग्रुप, ओ एन यानी कीटोन ग्रुप, प्रॉप एन ऑन, प्रॉप एन ऑन, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ए वाले का आंसर है इट इज बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्रॉम आयन, सेकंड वाले का आंसर है प्रोपेनॉन, और अगला है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड याद रखना, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक नाइट्रिक एसिड HNO3, और एक हमारा इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये कुछ एसिड्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इथेनोइक एसिड, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, तो इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH को सोडियम कार्बोनेट से ऐड करोगे तो इथेनोइक सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, याद होना चाहिए ये चीज। चलिए रट्टा तुत्ता वाला है, केमिस्ट्री में तो यही तो करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH या इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो देखो यार ये इथेनोइक है ना, ओइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन दो कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और ओइक इथेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप ओ और OH, तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये इथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, तो बन गया लो, कितना आसान था। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथ यानी दो कार्बन, एन मतलब एल्कोहल एल्केन ग्रुप का है, और ऑल मतलब एल्कोहल है, ठीक है। तो दो कार्बन लगा दो और एक एल्कोहल लगा दो, तो एक दो ये तीन ये चार, इधर एक दो ये तीन ये चार, बन गया लो इथेनॉल, कितना आसान, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाई फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहचानना है, तो CH3CH2OH में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, तो ये OH यानी OH वाला फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल कहते हैं, तो एल्कोहल ये हो, देखिए दूसरा देखिए CH3COOH, तब से हम लोग देख रहे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइकिल यानी साइक्लो यानी साइकिल फॉर्म में बन रहा है, पेंटेन, पेंट मतलब पांच कार्बन और एन मतलब एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप और साइकिल में, तो पांच कार्बन बनाना है साइकिल के नेचर में, तो देखो इस तरीके से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार साइकिल में मैंने दे दिया, अब सारे कार्बन एक एक से तो हटा, जो तीन तीन इलेक्ट्रॉन सबके खाली बच गए तो उनमें हमने हाइड्रोजन डाल दिया, सॉरी जैसे कार्बन है चार होते हैं ना, तो एक ये कार्बन इस कार्बन के पास भी चार होंगे, है ना, तो ये आपस में शेयर कर लिया, ठीक है, तो एक तो चला गया, बाकी एक कार्बन इधर लगा होगा तो इससे शेयर कर लेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो दो हाइड्रोजन सब में, तो ये आप अच्छे से देख लो समझ लो कर लो, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रो इथेनोइक एसिड ब्रोमोपेंटेन ब्यूटानोन और हेक्सानल का ड्रॉइंग बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले इथेनोइक एसिड, इथ मतलब टू कार्बन और ओइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इथ एन, एन मतलब इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब एल्केन ग्रुप है यानी सिंगल बॉन्ड वाले,
ठीक है, अल्केन, अल के ए एन ई, और ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो कार्बन, तो देखो ये लगा दिया दो कार्बन, और आपका लाइक दिस कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन, एक दो तीन चार शेयर हो गया, हो गया इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये क्या है नॉट हाइड्रोजन OH, यही ए फंक्शनल ग्रुप को ही तो ओइक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रो मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है, पेंटेन, पेंट मतलब पांच कार्बन, टेन यानी एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ब्रोमो यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो देखो पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच कार्बन बना दिया और लास्ट में ब्रोमीन लगा दिया फंक्शनल ग्रुप, तो बन गया ब्रोमोपेंटेन, कितना आसान है ना। अगला है ब्यूटानोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन मतलब, ब्यूट मतलब चार कार्बन, एन मतलब एल्केन ग्रुप है सिंगल बॉन्ड वाले, और ओ एन ई मतलब कीटोन है, तो चार कार्बन के साथ कीटोन लगा दो, तो एक दो तीन चार कार्बन बनाया और बीच वाले में लगा दिया, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यही होता है ना, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप देख लो यहाँ पे बना हुआ है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड की दिस, अल्कोहल का दिस, बाकी अल्काइल हाइलाइट्स लाइक क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हो, जैसे ये ब्रोमोपेंटेन था तो ये आयोडोपेंटेन भी हो सकता है, तो आई आ जाएगा, क्लोरोपेंटेन आ गया तो सीएल आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब एल्डिहाइड भी कभी कभी आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल एच आ गया तो एल्डिहाइड, ओ एच आ गया तो कार्बोक्सिलिक ईस्टर, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है इधर, ये 11 12 में पढ़ोगे, ठीक है। आखिरी ये हेक्सानल, हेक्स मतलब छह कार्बन, एनल, एन, एन मतलब अल्केन ग्रुप, और एल ये किस में आएगा है ना, ये आएगा आपका एल्डिहाइड में, एल एल्डिहाइड में एल आता है, एल्डिहाइड में एल आता है, तो ये एल्डिहाइड, छह कार्बन अल्केन और एल्डिहाइड है, छह कार्बन बनाना होगा आपको इसके लिए। तो ये देखो एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन बनाया, और इसका फंक्शनल ग्रुप का सिग्नेचर क्या है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो ये बन गया आपका हेक्सेनल, ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को। वैसे ये टॉपिक को यार कट कर दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन देखना, कट कर दिया गया, फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है, इसी को काट दोगे तो यार सीखे रहोगे तो काम आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब, ब्यूट मतलब चार कार्बन वाले, यानी सी एच, देख लो सी फोर एच टेन का आपको बनाना है, सी फोर एच टेन दे दिया, भी फॉर्मूला भी दे दिया है। वाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज में सी एच फोर, सी टू एच सिक्स और सी थ्री एच एट, स्टार्टिंग के तीन के आइसोमर्स नहीं बनते, आइसोमर्स यानी उसके काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनना, लाइक सीरीज में, सर्कल में, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सीरीज स्ट्रक्चर, फिर क्या बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, तो अल्केन के स्टार्टिंग के जो तीन होते हैं ना इनके नहीं बनते आइसोमर्स, ठीक है। जैसे तीन से ज्यादा चौथे पे आते हो तो सीरीज भी बन जाएगा चौथे का, है ना, चौथे का सीरीज बन गया, और ये देखो वो बन गया दैट इज ब्रांच, है ना। इफ द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल देयर फॉर वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब कुछ बच्चे पूछे सर इसका नाम टू मिथाइल प्रोपीन क्यों रखा गया है, तो देखो यार ये स्ट्रक्चर को देखो, जितना बोल रहा हूँ इतना ही करो, ये स्ट्रक्चर को देखो, एक दो तीन, तीन कार्बन है ऐसे। अब सबसे पहला देखो इसको कोई भी नेमिंग देने से पहले लॉन्गेस्ट ब्रांच क्या बन रहा है, इसको इसको मैं काउंट करूं तो एक दो तीन इधर भी बन रहा है, एक दो तीन इधर भी बन रहा है, एक दो तीन, तीन 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 बन रहा है, तो तीन तीन यानी, तीन यानी प्रॉप, प्रॉप। अब ये देखो इसकी काउंटिंग लॉन्गेस्ट करोगे तो यहां से अपन इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, एक दो तीन, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है, तो दूसरे नंबर पे आपका जुड़ा हुआ है क्या, अल्केन जुड़ा हुआ है ना, अल्केन जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो अल्केन नहीं, तो कौन सा अल्केन, सिंगल कार्बन यानी मिथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए दूसरे नंबर पे ब्रांच है, तो टू मिथाइल प्रॉप अल्केन है तो प्रॉप एन, ठीक है, अपन ने रिवीजन में सिखाया है, जाकर देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारा ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म हो जाता है। क्या कह रहा है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम देखो, यहाँ पे दो कार्बन के साथ ब्रोमीन है, दो कार्बन यानी इथ सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन,
ये देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड यानी एल जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ, एक कार्बन यानी मिथेनल, मिथेनल एक कार्बन यानी मिथ सिंगल बॉन्ड है तो, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो मिथेनल, ठीक है ए मिथ एनल, ठीक है मिथ एन मतलब अल्किन ग्रुप और अल मतलब एल्डिहाइड जुड़ा है तो मिथ एन अल, ठीक है। और यहाँ देखो इसको, देखो इसको ये क्या है भाई, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल का ट्रिपल बॉन्ड है लास्ट में, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या है? हाँ ट्रिपल बॉन्ड है आखिरी वाला, तो छः कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड यानी बताओ ये वाला, देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला कहीं दिख रहा है कुछ, ट्रिपल बॉन्ड वाले वाई एन ई आ जाता है, तो सिक्स कार्बन यानी सिक्स को बोलेंगे हेक्स और वाई ये अल्कीन, अल के वाई एन ई अल्कीन ग्रुप है, तो सिक्स कार्बन और अल्कीन ग्रुप, तो सिक्स कार्बन यानी हेक्स और अल्कीन का वाई एन ई तो हेक्सीन, ठीक है। बस क्या मस्त ये लेक्चर था, आपको काफ़ी सारे को मैंने बोलना लिखना भी सिखा दिया कंपाउंड्स को, अब क्या चाहिए, बस ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कुछ छूट रहा हो तो छूट तो नहीं रहा है, रिविजन वाले वीडियो को अच्छे से देख लो, इनफ है इतना। एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं जल्दी आपके लिए इस चैप्टर को लेकर आएंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।